वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप आ गए हो? अटेंडेंस लगाया है? भूल गए? कल रात की मीटिंग में आपने वादा किया था कि सर हम लाइव अटेंड करेंगे। कहाँ है सारे? चलो आ जाओ जल्दी। अरे आओ ना जल्दी, ढोक लो। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं बोलो स्क्रीन क्लियर है और मैं दिख रहा हूँ आके आपको। ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर है क्या? बोलिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो बोलो ना जल्दी, ढोक लो। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? यस, वेरी 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 लवली मॉर्निंग एवरीवन। प्यारी सी बारिश हो रही है बाहर, थोड़ा सा भीग गया हूं मैं, और मस्त पुणे ची गुलाबी ठंडी। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, दो मिनट रुको बैठे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूं। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, दो सेकंड में आ जाएगा, रुको। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सूरज, आशी। अरे मैंने डाल तो दिया, लिंक आ क्यों नहीं रहे? दो घंटा का मैंने लिंक तो डाल दिया, मेरे इसमें तो दिख रहा है। यस, देखिए मैंने ग्रुप का जो लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है ना, पिन कर दिया हुआ है मैसेजेस में, चैट सेक्शन में, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यस हाँ, नोट्स बेटे, ये जो चैप्टर के जो नोट्स थे जो मैंने दिए नहीं, उसमें एक्चुअली हल्की सी एडिटिंग पेंडिंग थी मेरे नोट्स में, उनको आज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा आज का अपना, वो मैं आपको पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो चिंता करने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सब आ गए हैं क्या? आ गए हैं बेटा, अटेंडेंस किसी ने नहीं लगाया। लाइक कौन करेगा यार, लाइक तो करो, कहां से आएगा मोटिवेशन पढ़ाने का? बोलो, अच्छा बीकॉम की एग्जाम चल रही है, कोई नहीं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, फैन चालू कर लेता हूं, गर्मी बहुत हो रही है।
चलो शैल वी स्टार्ट। शैल वी स्टार्ट। वाह 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 वाह, हमारे जहांगीर साहब ने तो अटेंडेंस लगा दी। मॉड्यूल से ही चलेंगे बेटे, मॉड्यूल से ही चलेंगे, क्योंकि ये फ्री बैच है। आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, पीडीएफ दूंगा तो कितने प्रिंटआउट लेंगे। हाँ, बट जहाँ पर ज़रूरी होंगे, मुझे लगता है कि एडिशनल क्वेश्चन जो अपने बुक में नहीं है, जो हमें करने हैं, अच्छा एफएम का पेपर और कुछ नहीं पढ़ा। बीकॉम ही तो है बेटे। अच्छा, बेस्ट मोमेंट का कहना है कि सर हार्ड टॉपिक पहले कवर करो, बाकी खुद हो जाएगा। देखो बेटे, हमने जैसे वादा किया है यूनिक एकेडमी में, जैसा वादा किया है कि हम पूरा सिलेबस लेने वाले हैं, तो हम पूरा सिलेबस चला रहे, भले ही फ्री क्यों ना हो, बट वी विल टेक अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर बैच। रेगुलर बैच के अकॉर्डिंग लेंगे। मुझे पता है आप लोगों से इजी टॉपिक्स खुद से हो सकते हैं, बट फिर भी उसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो ज़रूरी है, और उनको टैकल करना कैसे है ये भी तो हमको समझना ज़रूरी है ना बेटे। है ना? यस एंड यस 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 यस, वेरी गुड मॉर्निंग। चल लेट अस बिगिन। 70+। अरे बेटे हप्पू कप्पू, नो 70+, आवर टारगेट शुड बी 90+। आवर टारगेट शुड बी 90+। चलो लेट अस बिगिन देन। किसका है ये तुमको इंतजार में होना? यस 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 यस। आपने आपके आपके दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया क्या लिंक? शेयर तो करो सबके साथ एक बार, शेयर तो करो सबके साथ एक बार। अबे इतने कम क्यों दिख रहे हैं? कल मीटिंग में कितने थे? आपने वादा तोड़ा है, बोलो। ऐसे नहीं चलेगा ना, ये तो गलत है ना, बराबर है ना? यस। ओके चलो बढ़िया। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस बिगिन विद द लेक्चर। आ जाओ बात करते हैं। ये हमने कल जर्नल देख लिया था, राइट? कल यानी क्या, लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम आए थे लेजर पर, और आई होप सबने ये लेजर का फॉर्मेट बना लिया था। बोलो हाँ या ना, लेजर फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? ये बोलो सब, पहले फटाफट बोलेंगे, है ना? आज अपने अकाउंट्स की क्लास के साथ साथ एक डांस क्लास भी होने वाली है, आ जाओ। कल से लाइव देखोगे कप्पू? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यूनिक ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है वो मैं आज डलवा देता हूं, ग्रुप पे भी डलवा दूंगा, चिंता ना करो। चलो 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 चलो, लेट अस बिगिन। आ जाओ सारे। यस यस सोहन अग्रवाल बोलता हेलो गुड मॉर्निंग, और ये इमोजी गंदे गंदे डाल रहा है। अरे बेशर्म इंसान है, सुबह सुबह नींद में बिस्तर में उठ के डायरेक्ट लेक्चर चालू कर दे कि हाँ हाँ कर रहा है। वेरी गुड, होमवर्क में लेजर बनाना भी था, वो भी डन है, बहुत बढ़िया, सबने लेजर बना लिया है। ये मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, कुछ चीज़ें इसके बारे में बताई थी मैंने कि लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, ये भी मैंने समझा दिया था आप लोगों को, एंड आई होप सब लोगों ने लेजर्स बना लिए थे। नंबर ऑफ लेजर्स भी हमने देख लिए थे, कितने लेजर्स बनाने हैं, बराबर है? यस डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, देखो देखो हमारे बच्चे अपडेटेड है। चलो 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 चलो, आ जाओ आओ, अरे आओ ना, देख लो आते क्यों नहीं, देख लो। पोस्टिंग पे आ गए हम लोग।
कहाँ गए अपने जर्नल एंट्रीज भाई साहब? जर्नल एंट्रीज देखेंगे और पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से सबको स्क्रीन भी क्लियर है, मैं भी क्लियरली दिख रहा हूँ और आवाज भी क्लियर है, ये अज्यूम करते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ ना। चलो आ जाओ। सबसे पहले कौन सा अकाउंट हमें बनाना था? कैश, बिल्डिंग, सांबैया कैपिटल, ये तीनों बना लेता हूँ पहले मैं। ठीक है ना, कैश, बिल्डिंग और सांबैया। देखो मैं जैसे फॉर्मेट बना रहा हूँ ना, आपको ऐसे फॉर्मेट बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको ऐसा फॉर्मेट बिल्कुल नहीं बनाना है। सर ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सर क्यों कर रहे हैं मतलब? अरे मेरे नाम के आगे सीए लग चुका है, आपके नाम के आगे लगा नहीं है, अभी आप रॉ मटेरियल हो, अभी आप रॉ मटेरियल हो, फिनिश्ड गुड्स बने नहीं हो। ठीक है ना, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, आ गए सब? हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी है, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, मम्मी पापा ने बचपन से बहुत मारा है, हैंडराइटिंग सुधार लो, बट सुधरी नहीं, आप क्या सुधरेगी, है ना? ठीक है, हम 2 से 3 दिन देखेंगे बेटे, अगर लाइव अटेंडेंस बढ़ेगा नहीं तो कुछ समय में हमको प्राइवेट करना पड़ेगा बेटे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा हमको डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। आ जाओ, लेट अस बिगिन। हमारी पहली जर्नल एंट्री जो थी वो थी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000। तो कैश अकाउंट में आऊंगा, सबसे पहले लिखूंगा टू कैपिटल 50,000, बराबर है, टू कैपिटल 50,000। ठीक है, बिल्डिंग में आऊंगा फिर से, यहां पर लिखूंगा टू कैपिटल, कंपाउंड एंट्री है ये, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में, तो बोलो नहीं कैसे किया। हाँ ठीक है, टू कैपिटल, और कैपिटल में आएंगे, कैपिटल में मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय कैश, सब मेरे साथ लिखेंगे बाय कैश 50,000, फिर से यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग 30,000। क्लियर? पहले एंट्री पोस्टिंग हो गई अपनी, आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री देखते हैं क्या है। अगली एंट्री है सर सेकंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आ जाओ, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बना रहा हूं, कैश तो खैर बना हुआ है, ये आपका बैंक अकाउंट जिसको हमने कौन से बैंक में डिपॉजिट किया सर? आईसीआईसीआई बैंक, इस बैंक में डिपॉजिट किया है सर हमने, बराबर है? हाँ सर, इस बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, बढ़िया। तो बैंक में आऊंगा, बैंक में लिखूंगा टू कैश कितना सर? 10,000, और कैश में लिखूंगा बाय बैंक 10,000। बोला था क्लियर है? बोलो क्लियर है?
अरे बोलो ना डोगलो, बोलते क्यों नहीं? घर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। अच्छा, क्या करे अभी? हाँ घर वाले को अगर बोल दूंगा मैं कुकर की सीटी ना बजाओ तो बोलेंगे खाना नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? हाँ ठीक है, कैश में बैंक का कॉलम नहीं बनेगा। संयम रखो चांद भाई, चांद भाई, चांद भाई के नाम से मुझे बजरंगी भाईजान पिक्चर की याद आ गई। वेरी गुड जहांगीर, सही जवाब दिया है आपने। चांद भाई, जब हम लेजर खत्म करेंगे ना, लेजर खत्म करने के बाद जब हम सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद जब हम सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे, आपके सवालों का निरसन होगा, आपके मन में जो शंकाएं हैं उनका पूरी तरह से निरसन होगा, भरोसा रखें। ठीक है, हाँ बराबर। क्या नाम है इसका? तोलानी भाई। तोलानी, अगर मैं भूखा रहूंगा तो अगले लेक्चर ले पाऊंगा क्या अच्छे से? कैसी बातें करते हो तुम? हैं, ये डन है, ये डन है। परचेज टू कार्तिक, तो परचेज और कार्तिक, कार्तिक अकाउंट बनाना है सर अपने को। परचेज और कार्तिक अकाउंट बनाना है सर, परचेज और कार्तिक अकाउंट। ये आ जाओ यहाँ पे। कभी कभी लैपटॉप भी धोखा देता है पता है। परचेज अकाउंट, कार्तिक अकाउंट, ठीक है। 10,000 है। ओ मैं एंट्री करना भूल गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कार्तिक 10,000, और कार्तिक अकाउंट में लिखूंगा मैं बाय परचेज 10,000। बाप रे, हिंदुत्व जिंदाबाद है। बोलना है सब धोखा देते हैं जिंदगी में, ऐसे नहीं है बेटा। हर कोई धोखा नहीं देता, हर कोई नहीं धोखा देता। अच्छे लोग भी है इस दुनिया में। देखो हम लोग है ना, यूनिक एकेडमी वाले धोखा देंगे क्या? एंड तक साथ में रहेंगे ना? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ रहेंगे सर। बस परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, टू कैश 5,000। कैश अकाउंट में आऊंगा, लिखूंगा बाय परचेस 5,000। हैंडराइटिंग सीए के अंदर मैटर मैटर तो नहीं करती बेटे। हैंडराइटिंग सीए के अंदर देखो मेरी खुद की हैंडराइटिंग कितनी गंदी है, बराबर है। दूसरी बात, बाकी तो सौमिल सर के हैंडराइटिंग के भी चर्चे बहुत है मार्केट में, बराबर है ना? कल मुझे पता चला, चैट बॉक्स में बच्चों ने बता रहे थे बच्चे, सौमिल सर की भी हैंडराइटिंग की बहुत तारीफ होती है। बट फिर से बात वही है, अनटिल एंड अनलेस योर राइटिंग इज नॉट रीडेबल, दैट इज नो इशू। हाँ रीडेबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए लिखा क्या है। ऐसा नहीं कि आप परचेस लिखोगे, ये ऐसे नहीं परचेस चलेगा। हाँ परचेस अगर आप ऐसे लिखते हो, हाँ समझ में आ रहा है परचेज है, देन इट्स ओके, देन इट्स ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेवफा रहते हैं मेरे ख्याल से, लगता है आपका दिल टूटा है ना? अच्छी बात है, दिल टूटा है तो अब आप जोर लगा के, मन लगा के पढ़ाई करोगे, है ना? मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, शादी में ज़रूर आना ऐसा एक मूवी था। उसमें वो लड़की वो अपने हीरो का दिल तोड़ देती है, तो भाई सब सीधे आईएएस ऑफिसर बन जाते, बड़े लेवल के ऑफिसर बन जाते। फिर ठुकरा के तेरा प्यार इंतकाम देखे, ऐसे गाना गाता है ना? चिंता मत करो, डॉक्टर वाला हैंडराइटिंग नहीं चलेगा मोहम्मद। वहाँ पे बैठे हुए जो है वो डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग पढ़ने वालों में से नहीं है। चल फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर
फर्नीचर टू कैश, तो आ जाओ फर्नीचर अकाउंट बनाना पेंडिंग है मेरा, फर्नीचर अकाउंट बनने जा रहा हूँ मैं। फाइव थाउजेंड ही है ना? ओ 10,000 है। टेन थाउजेंड इसको भी टेन कर देता हूँ, खत्म। क्यों हंस क्यों रहे हो तुम लोग? हाँ राजकुमार रहो, बराबर राजकुमार रहो, सही बात है। ये लेजर चैप्टर नहीं है बेटी, ये जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ऐसा मिक्स कंबाइंड चैप्टर है मेरा, कंबाइंड चैप्टर है। हाँ तो आज थोड़ा सा अटेंडेंस अच्छा है तो मेरे दिल को अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को अच्छा पहुंच रहा है, खुशी हो रही है मुझे। बस एक छोटी सी और एक दिक्कत है, ये है कि आप लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे। लाइक नहीं कर रहे हैं आप। चलो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, गणेश टू सेल्स। आ जाओ, गणेश अकाउंट और सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे। देखो घर पे थोड़ा सा नया सेटअप किया हुआ है मैंने, तो आई होप स्टिल देर इज नो क्वालिटी इशू विद द लेक्चर। आई थिंक बोलो मुझे, क्वालिटी इशू तो कोई है नहीं ना, लेक्चर तो बढ़िया चल रहा है ना। अरे सोहन मैं तो देख रहा था पगले तेरा प्यार कितना सच्चा है मेरी तरफ। हाँ सच्चा प्यार है तेरा, मैं समझ चुका हूँ। अरे मेरे बच्चे हैं तुम लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग, मेरे से नाराज कैसे हो सकते हो तुम? हो सकते हो क्या? नहीं सर, सही बात है। आ जाओ गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स 20,000 सेल्स में आऊंगा, बाय गणेश 20,000, राइट? राइट सर, क्लियर। अब नाउ वन मोर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, चलो एटलीस्ट फटाफट खत्म करनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, बराबर सेल्स में आओ, बाय कैश 10,000, बराबर। भाई साहब गणेश के पापा को नेगेटिव टू गणेश कौन बोलते हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो, है ना? आज ऊपर से सोमवार है, मेरी स्टोरी नहीं देखी क्या आपने? मेरी स्टोरी देख के समझ में आ जाना चाहिए आज सोमवार है, बराबर है ना? जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है सोमवार के दिन पता चल जाता है और सैटरडे के दिन भी पता चल जाता है, हफ्ते के दो दिन पता चल जाता है सर की स्टोरी से। पार्टी का स्टोरी आया है सर का मतलब सैटरडे इवनिंग चल रही है, भगवान शिव जी का शिव जी की स्टोरी आई है मतलब महादेव की स्टोरी आई है तो सोमवार है, ये बच्चों को पता चल जाता है। और आप ऐसी बातें कर रहे हो सोमवार के दिन गणेश के पापा अकाउंट डेबिट टू गणेश है, ठीक है आ जाओ। सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश,
सैलरी कितना पे किया हमने? 5000 ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, बाय सैलरी 5000, मैं आज सेंड कर दूंगा बेटा, आज सेंड कर दूंगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, चिंता मत करो आज। चलो आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, आ जाओ बैंक अकाउंट में आ गए। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 3000, ये आ गया यहाँ पे 3000, ये आ गया यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाय बैंक 3000, बाय बैंक 3000। बच्चों की बात कर रहा हूँ सर प्लीज। अरे नहीं बेटे, गॉड पे लेने वाली बात नहीं है, वो तो हंसी मजाक चल रहा है, गलत थोड़ी ना बोला है हमने, गलत थोड़ी ना बोला है। ऐसे नहीं, गॉड पे लेने वाली बात नहीं है, गॉड तो कैसे है ना, समय हमारे दिल में बसे हुए हैं महादेव, तो कहीं ना कहीं से उनकी याद आ ही जाती है। चलो आगे बढ़े, कार्तिक अकाउंट डेबिट टू कैश, कार्तिक से पैसा आया है। कार्तिक कहाँ हो कार्तिक? कार्तिक अकाउंट डेबिट टू कैश, देखो कार्तिक ने पैसे कितने दिए, देखो कार्तिक जी ने पैसे कितने दिए, 7000। तो कैश में आता हूं, बाय कार्तिक 7000। इसके बाद गणेश, गणेश ने पैसे दिए हैं बैंक में, तो बैंक में मैं लिखूंगा टू गणेश, उन्होंने दिए 15000, गणेश जी ने दिए 15000। और गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट, गणेश 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 अकाउंट में आऊंगा, लिखूंगा मैं बाय खत्म। बोलो मेरे साथ सबको लेजर पोस्टिंग खत्म है क्या? तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है लेजर बैलेंसिंग। बोलो जल्दी कौन है ये चार ढोकले जिन्होंने लाइक नहीं किया है, हैं लाइक नहीं किया? देखो बेटा आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैट बॉक्स में मैसेज नहीं कर पाओगे, तो आपको चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तोलानी को डाउट है, बोलो तोलानी, बाकी बोलो मुझे, यस सर डन है, क्लियर है, लेजर पोस्टिंग क्लियर है क्या? तो मैं लेजर पोस्टिंग खत्म, तो अब लेजर बैलेंसिंग पे जाता हूँ, छोटा कंसेप्ट है 10 मिनट का, लेजर पोस्टिंग पे जा रहा हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है 10 मिनट का। जय सिया राम, जय सिया राम। एज क्लियर एज वाटर, वाह 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 वाह, नसीब मेरा ये नहीं बोला क्लिनिक ऑल क्लियर। हाँ वाह वाह वाह, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने लाइक भी कर दिया जो आए थे अभी अभी।
वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू लेजर बैलेंसिंग। लेजर बैलेंसिंग, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लेजर बैलेंसिंग एंड देन वील स्टार्ट बैलेंसिंग ऑल द लेजर्स। कुछ नया कंसेप्ट दिख रहा है सर, सुनाई तो नया दे रहा है, देश दे रहा है, सुनाई दे रहा है नया, है पुराना। लेजर बैलेंसिंग, ठीक है, देखो ध्यान से सुनेंगे सब। लेजर बैलेंसिंग, लेजर बैलेंसिंग की बात करूं तो देखो ध्यान से, यहां पर छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान के चलो ये आपका लेजर है, एक्स अकाउंट, ठीक है, ये वो वाला एक्स नहीं है, ये मेरे मिस्टर एक्स है, मेरे मित्र है, ये वो है एक्स, आपकी एक्स नहीं है, नाराज नहीं होना, ऑफेंड नहीं होना। एक्स अकाउंट, एक्स अकाउंट में अगर हम बात करेंगे, डेबिट के आपने सारे ट्रांजेक्शन लिखे हैं, इसमें टोटल डेबिट साइड में बैलेंस, टोटल डेबिट साइड का आ रहा है 1000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 800। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 1000, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 800। क्लियर, डेबिट साइड का टोटल है 1000, क्रेडिट साइड का टोटल है 800। अब हमें इसको बैलेंस करना है। देखो बात ध्यान से समझो बेटे, लेजर जो भी बना है आपका, ये मैंने बेसिक के जब इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर लिया था उस समय पे भी बताया था कि जो लेजर है ना बेटे, ये किसके बेसिस पे बना है बेटे? ये बना है तराजू के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? तराजू के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? तराजू के बेसिस पे। अब बात ध्यान से समझेंगे, तराजू में एक तरफ कम होगा, नीचे होगा, और एक तरफ ज्यादा होगा, यानी कि वजन ज्यादा है और नीचे की तरफ है, और एक साइड ऊपर है ना। मान के चलते यहां पर वेट्स रखते हैं आप, क्या रखते हैं आप? वेट्स। यहां पर आप क्या रखते हैं? गुड्स, जो आप देने वाले हो। ये देखो, ये जो है ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, क्या आप गुड्स लोगे? है ना, मान के चलो वजन काटा है, ये वजन रखा हुआ है मैंने इस तरफ, मेरा राइट हैंड में वजन है, ये मैंने, ये नीचे की तरफ है और ये जो है ये ऊपर की तरफ है जिसमें गुड्स है ना। मान के चलते चलो, देखो ये है वजन, ये मैंने रखा है वजन, और ये खरीदने आए हो आप, ये पाउच, ठीक है ना, ये ऐसा है, ऐसा 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 है, तो क्या आप ये परचेस करोगे मेरे से? क्या आप ये परचेस करोगे? क्या आप खरीदना चाहोगे ये? जो अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या आप खरीदना चाहोगे? क्या आप पैसा ये ऐसे परचेस करना चाहोगे? बोलो हाँ या ना? ना ना, वेरी गुड वेरी गुड। बट अगर मान लो, अगर मान लो, अगर मान लो कि मैं बोलूँ ये ऐसा है, अब ये ऐसा है, गुड्स नीचे की तरफ है, देखो ये ऐसा अगर सिचुएशन होगा तो आप तो लोगे नहीं, बट मैं तो देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा फायदा हो रहा है। बट अब ऐसा सिचुएशन है, वजन ऊपर की तरफ है और ये गुड्स नीचे की तरफ है, क्या अब आप लोगे? अब आप लोगे? हाँ सर, क्यों नहीं लेंगे, अब तो जरूर लेंगे सर, है ना। अब लोगे क्या? अब लोगे क्या जहांगीर? अब बोल ना बेटा, अब बोल, अब लेगा क्या? अब बोल, अब बोल ना, ये रखे रखे रखे, गुड्स नीचे है, वजन ऊपर है, देख 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 देख, अब लेगा क्या? हाँ अब तो लेंगे ना सर, अब हम आपको चूना लगाएंगे। मैं लगाने दूंगा हैं? मैं चूना लगाने दूंगा नहीं, बराबर है ना? तो नहीं, देखो यहां पर पहले वाली सिचुएशन में मैं अग्रीड नहीं हूं, आप अग्रीड हो, दूसरे वाली सिचुएशन में आप अग्रीड हो, मैं अग्रीड नहीं हूं, बट अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो दोनों सेम लेवल पर रहे तो बराबर है ना, अग्रीड है, आप भी अग्रीड हो लेने के लिए, मैं भी अग्रीड हूं देने के लिए, गुड्स, गुड्स की मैं बात कर रहा हूं, बराबर है? हाँ हम अग्रीड है, हाँ सर हम अग्रीड है, तो बढ़िया। हम अग्रीड अगर है तो यहाँ पर हमें लेजर को बैलेंसिंग करना है, तो ये दोनों को जब बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो कमी है 200 की, उसको मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, बराबर, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है, ठीक। और यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, एक काम करता हूँ इसको कलर चेंज कर देता हूँ, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 200, बाय बैलेंस कैरी डाउन 200, यस दोनों राजी हो गए, बराबर, ये बैलेंस कैरी डाउन लिखा मैंने। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब हम ये क्लोज करते हैं ना, मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि ये एक लाइन में नहीं करती, ये एक लाइन में क्लोज करना है हमें, ये 1000 यहां पर, ये 1000 यहां पर,
ये जरूरी है बेटे, ये एक ही लाइन में आना जरूरी है, ये दोनों सेम लाइन में होने जरूरी। क्यों? मैंने अभी बताया तराजू सेम होना चाहिए, ऐसा या ऐसा नहीं चलेगा, इसीलिए सेम लाइन में होना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर। और दूसरी बात, और दूसरी एक और बात, एक और बात इंपॉर्टेंट है यहां पर, जब ये आप बैलेंस कैरी डाउन लिखते हो तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, इट इज आइदर डिनोटेड बाय एस्ट्रिक मार्क और यू राइट इट एज अ बैलेंसिंग फिगर, जिसको मैं बोलता हूं बालों वाला अंजीर। बैल फिग, फिग मतलब अंजीर ना, है ना, बालों वाला अंजीर, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक? क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर, बालों वाला अंजीर या एस्ट्रिक मार्क। देखो ऊपर से दिख रहा है क्या ये अंजीर? ऐसे सामने से देख रहे हो ना आप, ऊपर से वो अंजीर रखा हुआ है, नीचे तो ऊपर अंजीर के बाल दिख रहे हैं, अंजीर नहीं दिख रहा आपको। बस समझ गए क्या? बालों वाला अंजीर। अब बहुत लोग पूछेंगे सर अंजीर क्या होता है अभी, बट यहाँ पे पता नहीं मुझे, महाराष्ट्र में तो उधर फिग को अंजीर बोलते हैं, फिग आपको पता रहेगा अभी क्या रहेगा। मधुर साहू डैब कर रहे हैं, क्यों डैब कर रहे हैं बेटा? सडनली ऐसे अचानक नींद में सूटते लोग पहले अंगड़ा ही लेते, ये डैब करते हैं। क्लियर? बोलो क्लियर? यस, वेरी गुड। तो अब ये हुआ बैलेंसिंग, इसको क्या कहेंगे? लेजर बैलेंसिंग। बात ध्यान से सुनना, ठीक है? अब दूसरा यहां पर एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये वाई अकाउंट है मान लो, ठीक है? वाई अकाउंट बोलता है यहां पर। अब वाई अकाउंट में मैं उल्टा सिचुएशन लेता हूं, उल्टा सिचुएशन ले रहा हूं मैं भाई, क्रेडिट साइड का टोटल है 1000, डेबिट साइड का टोटल है 800, तो मैं यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां पर आएगा अमाउंट आपका 200 रुपीज, बराबर है? अगेन बालो वाला अंजीर, ठीक? बराबर है ना? ये अच्छा था क्या? अच्छा था, मार्क का नेम बालों वाला अंजीर, बैलेंसिंग फिगर है यार। टू, अरे हाँ हाँ सॉरी सर, टू टू मैंने गलती से बाय लिख दिया, टू। बोला था क्लियर? आ गया ना, टू आया ना, चेक कर रहा था आपका ध्यान कितना है, नींद तो नहीं मार रहा लेक्चर में सुबह सुबह उठकर, वो चेक कर रहा था मैं, चेकिंग, जस्ट चेकिंग। क्लियर है? बढ़िया, चलो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग बेटे, ये जो है, ये जो है, ये जो बैलेंस है भले ही क्रेडिट साइड में दिख रहा है, बट ये कौन सा बैलेंस है सर? ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है सर। ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। और ये कौन सा बैलेंस है सर? ये है आपका क्रेडिट बैलेंस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस। क्लियर सर? हमारे मन में जोरों से एक सवाल उठ रहा है सर, हमारे मन में एक जोरों से सवाल उठ रहा है सर, मुझे जोरों की डाउट लगी है। अच्छा क्या डाउट लगी है आपको? डाउट ये लगी है सर, सर ये क्रेडिट साइड में आपने लिखा है और डेबिट बैलेंस बोलते हो, ये डेबिट साइड में आपने लिखा है और क्रेडिट बैलेंस बोलते हो, ऐसी नाइंसाफी क्यों? ऐसी नाइंसाफी क्यों? ठीक है ध्यान से देखो बेटा, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा होता क्यों है, ध्यान से सुनो। देखो मान के चलो, ये क्या है पता है?
ठीक है, ये दोनों क्या है, ये बकेट नहीं है, और ये तुम जो सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं है, ये पानी का गिलास है, वाटर ग्लास, एंड दिस इज वाटर इन इट, दिस इज वाटर। हाँ, सुबह सुबह गलत गलत बातें नहीं करना, दिस इज वाटर। हाँ, ये ग्लास है मान लो डेबिट, ये ग्लास है मान लो क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट, क्लियर यहां तक। अब ये जो बैलेंसिंग हम कर रहे हैं ना, है ना, बात ध्यान से सुनेंगे मेरी, बात ध्यान से सुनेंगे मेरी। अगर हमको ये दोनों ग्लास को, अगर मैं आपको कह दूं कि सर ये दोनों ग्लास को ना लेवल कर दो, आप क्या कर दो, ये दोनों ग्लास को आप लेवल कर दो, ये दोनों ग्लास को आपको सेम लेवल पर लाना है, तो आपने क्या करना है। अभी कुछ कुछ हमारे स्मार्ट वेरी इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर क्रेडिट का ग्लास का पानी उठाओ और डेबिट के ग्लास में डालो, क्रेडिट के ग्लास का पानी उठाओ और डेबिट के ग्लास में डाल के चेक करो सर बराबर है क्या, बराबर है। अब ऐसे बच्चों के लिए मेरा एक सवाल है, भाई मान के चलो, अज्यूम, लेट अस अज्यूम, आंखें बंद करो, अज्यूम करो अपने आप को वहां पर, ठीक है। सर हम होटल में गए, होटल में हम बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारा ग्लास आधा भरा है और हमारे बाजू वाले टेबल में एक और बंदा बैठा है ना, मतलब ऐसे ग्लास में उंगली डाल के पकड़ के पानी पी रहा है, पानी रख रहा है मुंह से, मुंह लगाकर, ठीक है ना, मुंह लगाकर पानी पी रहा है और ग्लास रख दिया मैंने। हमने वेटर को बुलाया, वेटर पानी दो, तो वेटर ने देखा कि देखो उसका ग्लास भरा हुआ है, वेटर ने उसके बाजू वाले का ग्लास लिया और आपके ग्लास के ग्लास में पानी डाल दिया। देखो सर लेवल बराबर, बराबर लेवल हो गया सर, लेवल लेवल, बोलो बोलो ना, चलेगा क्या, चलेगा क्या, चलेगा क्या, बोलो आप। अरे बोलते ही नहीं आप, चलेगा क्या, नहीं चलेगा सर, कैसी बातें कर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर, इसीलिए आप क्या बोलोगे बेटा, ए भाई, ए भाई, ए भाई, क्या क्या, ऐसे पानी भरा जाएगा, वो जग में अलग से पानी लाएगा, इसमें भरेगा लेवल करने के लिए, बाजू वाले के ग्लास का पानी आपके ग्लास में नहीं डालेगा, है समझ में आया। तो हमने वही किया, वही किया हमने, यहां पर बैलेंस करने के लिए जो साइड कम थी, जो साइड में डेफिजिट था, जिसमें बैलेंस, जिसमें टोटल कम था, वहां पर हमने अमाउंट ऐड कर दी, वहां पर हमने अमाउंट जोड़ दी। बोला यहां तक क्लियर, डिस्कस्टिंग मौर्य, इट इज नॉट डिस्कस्टिंग, इट इज डिस्गस्टिंग, इसमें सी नहीं आता, जी आता है उस स्पेलिंग में, डिस्कस्टिंग। तू तो बिल नहीं देगा मतलब पानी पिएगा, बिल नहीं देगा पानी पिएगा, बट है ना, पानी पिएगा कि नहीं पिएगा बात वो चल रही, बिल देना नहीं देना वो तो दुकान वाला वसूल कर लेगा तुमसे, बर्तन धोने लगाएगा बिल नहीं दोगे तो। हाँ ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, सी डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, क्लियर यहां तक। हाँ, अगर डेट्स नहीं दिए तो डेट्स का कॉलम ब्लैंक रहेगा ना बेटे, डेट्स नहीं दिए अगर आपने तो डेट्स का कॉलम ब्लैंक रहेगा, उसको सीरियल नंबर की तरह यूज करेंगे उस कॉलम को, हम उस कॉलम को हम सीरियल नंबर की तरह यूज करेंगे, एज सिंपल एज दैट। हाँ क्लियर, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आ जाओ। नाउ दिस इज फायर, दिस इज वाटर, वाटर है वाटर, अरे ढोकले वाटर है वो, रोड नहीं है मधुर, पानी है पानी। सी देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज भूस भूस कंसेप्ट,
आई थिंक मेनी ऑफ यू डोंट नो दिस भूस भूस कॉन्सेप्ट. सर व्हाट इज दिस भूस भूस कॉन्सेप्ट? भूस भूस कॉन्सेप्ट मूव फॉरवर्ड. कहाँ फॉरवर्ड? यहाँ पे जगह नहीं है यार मेरे लिए मूव फॉरवर्ड के लिए. नाउ दिस भूस भूस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड. व्हाट इज दिस भूस भूस कॉन्सेप्ट? देखो मान के चलते हैं कि आग कम है, आपके पास पानी ज्यादा है, ठीक है ना. और अगर आप वो पानी आग पे डाल दो तो क्या होगा? आग बुझेगी और आवाज आएगी भूस. बराबर है, भूस है ना. और अगर मान लो पानी कम है, आग ज्यादा है, तो पानी उड़ जाएगा कैसे? भूस, है ना. घर में देखा है कभी मम्मी ऐसे चपाती वगैरह बनाती है, तवा गरम है, कढ़ाई गरम है, तो उसमें ऐसा पानी पानी मारेंगे कढ़ाई पे, तेल वाले में नहीं, उधर चित्र चित्र आता है वो नहीं, कढ़ाई पे मारेंगे तो भूस करके आवाज आता है. दैट इज कॉल्ड एज भूस भूस कॉन्सेप्ट, है ना. तो बट वेरी ऑब्वियस, आग ज्यादा है, पानी कम है, दोनों मिलेंगे तो आग बचेगा. पानी ज्यादा है, आग कम है, दोनों मिल गए तो पानी बचेगा. तो सेम है डेबिट और क्रेडिट, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट. बट डेबिट में ज्यादा है, क्रेडिट में कम है, तो जब वो सेट ऑफ होंगे तो डेबिट का बैलेंस बचेगा. बराबर है. डेबिट और क्रेडिट दोनों, अगेन क्रेडिट में बैलेंस ज्यादा है, डेबिट में कम है, दोनों एक दूसरे का गेन सेट ऑफ होंगे तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा. वही तो यहां पर हुआ है, जिसका बैलेंस ज्यादा है वो बच गया है बेटे. क्लियर यहां तक? हाँ, पेज जाएगा. पानी ज्यादा है उधर, पानी रखा हुआ है मैंने, पानी रखा हुआ है मैंने, ताकि आग ज्यादा फैलने लगे तो पानी उठा के डाल दूंगा उस पर. बोलो क्लियर? आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस भूस भूस कॉन्सेप्ट. अरे बोलो ना डोकलो, भूस भूस कॉन्सेप्ट समझा क्या? ये भूस भूस कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आने वाला है जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर करेंगे बेटे, ठीक है ना. जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर करेंगे ना तो हमारे काम आने वाला ये. क्लियर है तक सबको? 100%. यस. सो नाउ कमिंग बैक टू आवर कॉन्सेप्ट, सी हियर, जो वो हमने लेजर बनाया, लेजर का फॉर्मेट बनाया था ना, वहां पर आना है सबको. ये वाला लेजर का जो फॉर्मेट है, यहां पर आना है सबको, ठीक है. तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये आपका ओपनिंग डेबिट बैलेंस है और ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है. बट यहां पर मैंने देखो लिखवाया था ना, क्लोजिंग उल्टी तरफ है. बराबर है. तो देखो ओपनिंग के समय ये यहां पे शिफ्ट हो गया और ये यहां पर शिफ्ट हो गया. बराबर है. तो अब लेजर में अगर बैलेंस कौन सा है ये जब पूछते हैं तो बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. बराबर है. अब देखो अगर कोई आपको सडनली पूछ ले कि ये लेजर है भाई साहब, ये लेजर में बैलेंस कौन सा है बताओ, ये क्या है, लेजर में बैलेंस कौन सा है बताओ. बराबर है. तो आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे, फिर आप कंसेप्ट याद करेंगे, ओहो सर ने भूस भूस कंसेप्ट समझाया था, एक फायर था एक वाटर था, दोनों मिलेंगे, जब फायर ज्यादा रहेगा तो फायर का बैलेंस बचेगा, पानी ज्यादा होगा तो पानी का बैलेंस बचेगा, तो लेट अस सी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल, ओ बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, बैलेंस कौन सा. मैं आपको सिंपल तरीका इसको याद रखने का बताता हूं, लेजर का बैलेंस कैसे याद रखेंगे. देखो ओपनिंग के समय डेबिट बैलेंस दिखेगा, देखो ओपनिंग के समय डेबिट बैलेंस दिखेगा डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा क्रेडिट में. सर वंस मोर, ओपनिंग के समय डेबिट बैलेंस दिखेगा डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा क्रेडिट में. क्लियर? बट क्लोजिंग के समय डेबिट बैलेंस दिखेगा क्रेडिट में, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा डेबिट में. समझा सबको? फिर से एक बार, ओपनिंग बैलेंस डेबिट का ओपनिंग बैलेंस दिखेगा डेबिट में, ओपनिंग का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा क्रेडिट में, बट क्लोजिंग के समय क्लोजिंग डेबिट बैलेंस दिखेगा क्रेडिट में एंड क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस दिखेगा डेबिट में. बोले यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको. तो अभी याद कैसे रखेंगे सर? देखो ये 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 ये, देखो मैंने बोला था आज अकाउंट्स के लेक्चर के साथ डांस का लेक्चर भी होगा, तो हो गया शुरू. ये 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 ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस. बढ़िया, याद रहेगा? अरे बोलो ना ढोकलो, याद रहेगा क्या? भूल भूल वाले कंसेप्ट वाले सर की जय हो. कुछ भी. ये क्लियर क्या? ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग. क्लियर? बढ़िया. क्लियर है क्या? बोलो इतना कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोलो.
बाकी सब छोड़ो, कंसेप्ट क्लियर हो क्या वो बोलो। याद रहेगा कि जीवन भर, याद रहेगा क्या, याद रहेगा कि जीवन भर। बस ऐसे नहीं कहीं कभी बाई चांस अगर सीए बन गए, सीए बनने के बाद किसी ऑफिस में जाते हो और आपके कलीग ने, आपके बॉस ने आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें लेजर बैलेंस कौन सा है, तो उनके सामने चालू में चलो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ये आपने लिए था ठीक है ना। डांस करो बट दिमाग में, अंदर इंटरनली, नॉट टू शो अदर्स। बोलेंगे पागल हो गया। फिर बाबा ने बोला नहीं 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 सर, ऐसे कैसे आप पागल बोल रहे हो, बुस बुस कंसेप्ट वाले सर की जय, ऐसे वहां पे राडा मत डाल के आना। क्लियर? बढ़िया, चलो आपका कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी था ठीक है। आ जाओ अब आते हैं लेजर्स को, हर लेजर को हम क्लोज करेंगे ठीक है ना, हर लेजर को हम अभी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे सर। आ जाओ लेट अस सी। तो देखो बेटा ये जो है ये कैश अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट क्लोज करने जा रहा हूं तो इसके लिए ध्यान से समझेंगे। डेबिट साइड का टोटल अगर आप देखेंगे तो 60,000 है। कितना है? 60,000 है सर डेबिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल कितना कहा सर? 60,000 डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल देखो बेटे 10, 5, 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 7 37, 37,000। दिस इज योर डेबिट बैलेंस, दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस ठीक ठीक ओहो अंशुल जी नमस्ते, राजस्थान से हमारे पुराने स्टूडेंट पधारे हैं अंशुल गंगवाल। ये हमारे अंशुल गंगवाल मेरे पुराने स्टूडेंट है सीएमई इंटर के, राजस्थान के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इन्होंने मेरे साथ, मुझे याद है ये मस्ती बहुत करता था लेक्चर में है, गाना बहुत प्यारा गाना गाता था अंशुल। अंशुल बहुत ही प्यारा गाना गाता था। नौरा भाभी, नौरा भाभी भाभी बना दिया तुमने उनको। हाँ ठीक है, तो चलो लेट्स सी। 60,000 माइनस 37,000 बराबर। अब इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच रहा है सर? 23,000 बराबर है। देखो ना 60 माइनस 30 इज 30, 30 माइनस 7 इज 23 बराबर है, 23,000। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा, एक मिनट इसको कलर चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा टू, सॉरी टू नहीं, डेबिट बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 23,000 बराबर। इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश में डेबिट साइड पे आएगा, वो लिखना भूल गए क्या अपन? नहीं ना बेटे, इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक में आए ना, बैंक में एंट्री की ना हमने, इंटरेस्ट की एंट्री बैंक में की है बेटे हमने। इंटरेस्ट, अरे ब्याज मैंने उस दिन जर्नल एंट्री के समय भी समझाया था आपको, ब्याज बैंक वाला आके आपको घर पे नहीं देता है, कैश बैंक में जमा करवाता है, अकाउंट में जमा करवाता है। हाँ ना, बिना मतलब मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। ये बराबर है 23,000? हाँ सर बिल्कुल बराबर है 23,000। यहाँ पे विषय क्लोज। तो ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है 60,000 पे, 60,000 पे ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से फिर से एक बार बेटे, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है बराबर है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनता है। अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 23,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000 बराबर बराबर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग था वो मेरे अगले पीरियड का ओपनिंग बनेगा। सीधी बात है ना यार, क्लोजिंग ओपनिंग का भी कंसेप्ट बाद में समझाऊंगा वापस एक बार, बट ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट है। आपको अपने हाथ में अगर 100 रुपए, 100 रुपए है आपके पास, मान लो 50-50 के 2 नोट है, 50-50 के 2 नोट है, आपने दोनों नोटों को अपने वॉलेट में रखा और आप सो गए, अगले दिन वो क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका बराबर है ना। अगले दिन जब सुबह उठोगे तो वो एक 50 की नोट, दूसरी 50 की नोट साथ में रखी हुई थी, तो वहां पर कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो गया और तीसरा 50 का नोट आ गया। ऐसा होता है क्या?
नहीं होता सर। तो जो ओपनिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका, वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनता है सर। बोलो हाँ या ना। क्या नाम है? किचन, एबीडी किचन। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। आईसीआई मॉडल से पढ़ेंगे, बस चिंता मत करो। हाँ, वो बताऊंगा ना चांद, समझने की कोशिश करो। डेटर जो है हमारा कस्टमर है ना, वो एसेट है, उसमें डेबिट बैलेंस ही होता है, बट देर आर सम रेयर केसेस वेर ही हैज अ क्रेडिट बैलेंस। सर कस्टमर में क्रेडिट बैलेंस कैसे आ सकता है? कस्टमर में क्रेडिट बैलेंस तब आता है जब वो आपको एडवांस में पैसा देता है। सेम वेज अगर आपका सप्लायर है, क्रेडिटर है, उसमें क्रेडिट बैलेंस ही होगा, बट अगर आपने उसको एडवांस में पैसा दिया है, अगर आपने उसको एडवांस में पैसा दिया है, तो वो कौन सा बैलेंस दिखेगा? डेबिट बैलेंस दिखेगा ना, होता है ऐसा। क्लियर? आ जाओ, जब हम ट्रायल बैलेंस करेंगे ना, तब तो उसमें और कंसेप्ट क्लियर होने वाली है चीजों की। ध्यान से सुनो, यहां तक आ जाओ। बिल्डिंग टू कैपिटल, इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000 लिखा सबने। बालों वाला अंजीर मत भूलना। थर्टी थाउजेंड, 30,000। बोलो क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? फिर कैपिटल में आ रहा हूं, कैपिटल क्लोज करता हूं मैं। कैपिटल में यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 80,000, बैलेंसिंग फिगर अकाउंट क्लोज। ठीक है, और ये बैलेंस आ गया ओपनिंग का यहां पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। क्लियर? ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में आता हूं। 15,25,28,000, 28,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28,000। बाल वाला अंजीर, ट्वेंटी एट थाउजेंड। ठीक है, वैसे परचेस क्लोज करने जा रहा हूं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000, काहे चिल्ला रहे हो भाई? पहले साइलेंट करो। ठीक है, कार्तिक, टू बैलेंस कैरी डाउन 3,000, ये क्लोज हो गया 10,000, 10,000। बराबर स्टेप मार्किंग होती है ना बेटे? होती है, 100% होती है। आपकी वाली, मेरी वाली नहीं रही। मैडम बोल पगले मार देगी तुझे, डेंजर है बहुत। फर्नीचर, फर्नीचर में आएंगे, यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10,000, अकाउंट क्लोज। टेन थाउजेंड ठीक है, मिनल का कहना है थैंक्स सर।
स्टेप मार्किंग होती है उसके लिए। अरे क्या बात कर रहे हो बेटे, ये तो सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम के समय डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर कैसे लिखना है, पेपर सॉल्व कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, हाउ टू टैकल द पेपर, ये बेसिक चीज़ें हम सारे देखते रहेंगे, चिंता मत करो। 20,000, ये बैंक क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,000, क्लियर। जरूरी मतलब ऐसे जरूरी नहीं है बेटे, बट वो एग्जामिनर को समझेगा कैसे कि आपके अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कौन सा है। अब मैं ऐसे अकाउंट सिर्फ एंट्री ऐसे कर दूं, ठीक है ना, ये ऐसे एंट्री कर दूं, तो अब मुझे बताओ यहां पर इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कौन सा है वो कैसे समझेगा। सर अभी तो आपने बोला जो क्लोजिंग बैलेंस है वही बैलेंसिंग फिगर रहेगा, बात सही है, बात सही है आपकी, बट हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं जहां पर बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा हमें कुछ और बैलेंस निकालना है, वो भी तो हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको, वी हैव टू शो, यस वी हैव टू शो ओपनिंग बैलेंसेस, क्योंकि आप इस पीरियड के बुक्स क्लोज करेंगे तो अब जैसे आप इस पीरियड के बुक्स क्लोज करोगे वैसे ही तुरंत ही आपको नए बुक्स भी तो ओपन करने हैं, अगले दिन बिजनेस नहीं करना क्या। हाँ ये बात भी सही है आपकी सर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000, फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल डन, यहां तक बोलो। लेजर पोस्टिंग लेजर बैलेंसिंग दोनों क्लियर क्या, लेजर पोस्टिंग लेजर बैलेंसिंग दोनों क्लियर है क्या, लेजर पोस्टिंग लेजर बैलेंसिंग दोनों क्लियर है क्या, बोलो जल्दी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक। हाँ क्लियर यहां तक, चलो क्लियर यहां तक, तो घर से लेक्चर ले रहा हो इसका मतलब ये नहीं, बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे अभी तो, सर घर से मैसेज ले रहे हो तो ऊपर शर्ट नीचे पजामा होगा, देखो भाई पूरा फॉर्मल ड्रेस्ड हूं मैं अच्छी तरीके से। आजकल मूवीज से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बच्चे।
चलो डन, आ जाओ। अब आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस पे, दरवाजा लगाओ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ज्यादा क्लियर करने गए तो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। नहाना बंद करो, क्लिनिकल क्लियर से नहाना बंद करो, नहीं क्लियर होगा। है देखो ध्यान से, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। अब बेटे कॉन्सेप्ट हम जो समझ आ रहे हैं अभी वो है, ट्रायल बैलेंस। क्या समझ आ रहे हैं सर अभी अपन? ट्रायल बैलेंस। एक मिनट यहां पर नीचे, ट्रायल बैलेंस। क्लियर? देखो ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस भी ना बेटे दो फॉर्मेट में बनता है। बट ट्रायल बैलेंस क्या है सबसे पहले वो समझो। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। ऑल व्हाट? लेजर अकाउंट बैलेंसेस। ठीक, लेजर अकाउंट बैलेंसेस, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा, नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। थर्ड, ऑब्जेक्टिव इज टू चेक। ऑब्जेक्टिव इज टू चेक। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। फोर्थ, हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? तो देखो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चेक करना अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या चेक करना? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सर वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे तो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। देखो बेटे वो पूरा का पूरा अकाउंट्स नहीं दे सकते आपको। जब सोल प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा ना मैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब ये फाइनल अकाउंट्स बनते कैसे। उसके लिए ना कुछ क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती बेटे। क्या कर रहे? क्लोजिंग एंट्रीज सर। हाँ हाँ, तब बताऊंगा, संयम रखो, चिंता मत करो। तो क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती, उसके बाद आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस मैंने बोला है कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज जस्ट अ समरी शीट भाई साहब। इट इज जस्ट अ समरी कि हर अकाउंट में कितना बैलेंस है। भाई मिस्टर ए का अकाउंट है, इसमें कितना बैलेंस है, बी का अकाउंट है, कितना बैलेंस है। जिसमें बैलेंस नहीं वो ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं। जिसमें बैलेंस नहीं है वो ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है। जिसमें बैलेंस नहीं है वो ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है। क्लियर है? बोला है तक क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। अब देखो मोहम्मद जांगिर का करना है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है तो बेकार में बना के टाइम पास क्यों करना। वाह बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था। योर गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन टच माय हार्ट। नाउ लिसन टू द आंसर। है नमक खाने की तरह नहीं खाते बट फिर भी हर खाने में जरूरी डालते हैं ना, है ना, जरूरी है ना टेस्ट के लिए। मैड मेरे अकाउंट्स को ऐसा ऐसा बोलते हैं, बेकार बोलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, यह है समरी शीट।
बराबर है, तो इसमें ना टू बाय कुछ नहीं आएगा, इट इज जस्ट समरी प्रेजेंटिंग, देखो इसमें इतना बैलेंस है, देखो इसमें इतना बैलेंस है, देखो इसमें इतना बैलेंस है, ठीक। फॉर्मेट की अगर हम बात करें, फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो जर्नल ट्रायल बैलेंस के दो फॉर्मेट है बेटे, दो फॉर्मेट है। फर्स्ट इज जर्नल फॉर्मेट एंड सेकेंड इज लेजर फॉर्मेट। हाँ हाँ मौर्य, मैंने जवाब दे दिया ना उसको, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तब उसको फिर समझ में आएगा। हाँ ना, हंस रहा है देखो बेशरम। जर्नल, जर्नल फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो जर्नल का फॉर्मेट बड़ा सिंपल है। देखो जर्नल फॉर्मेट नाम ही दिया है तो मतलब जर्नल की तरह ही उसका फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, अच्छा। और अगर हम लेजर फॉर्मेट की बात करें, डेबिट आइटम्स और क्रेडिट आइटम्स, सर आपने दोनों में एलएफ लिखा। हाँ सर, आपने तो जेएफ और एलएफ का कंसेप्ट बताया ही नहीं, बताता हूँ ना, सेम रखो ना, वो भी बताता हूँ। क्लियर, मोहम्मद कैसे तुम बातें करते हो, जस्ट किडिंग, बच्चा कर रहे हो तुम। हाँ, और मैं दिल पे ना लू, अरे पेट चल रहा है मेरा इस पे, पेट पापी पेट का सवाल है साहब, तुम बोलते हो दिल पे मत लो। हाँ? ले रहे हैं तक, ओके बढ़िया। नाउ जर्नल फॉर्मेट एंड लेजर फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। अब इसके अंदर एंट्री जब होगी तो कैसे होगी, देखो ये फॉर्मेट आप पहले बना लो। मैं एक मिनट, मुझे सबसे पहले बताओ आपने ये सब लिख लिया क्या, सबने ये लिखा क्या वो बोलो। ट्रायल बैलेंस में जितनी चीजें मैंने लिखवा है फॉर्मेट के साथ, सब क्लियर है क्या, सब रेडी, आप मेरे साथ हो क्या, उतना बोलो मुझे आप। बारिश जोरदार चालू है, यस वेरी गुड, ऑल डन, वेरी गुड, ऑल डन। डोंट, पानी पी लूँ मैं अच्छे से। फॉर्मेट भी हो गए सबके। अब देखो ध्यान से बेटे, जेएफ और एलएफ जो है ना, ये क्या है वो समझते कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात, एक तो मैंने एक बताया आपको जर्नल, और एक मैंने चीज आपको बताई लेजर, ठीक है। तो जर्नल और लेजर जो है ना बेटे, ये दो अलग अलग बुक है, ऐसे मान के चलते कि जर्नल एक रजिस्टर है और ये लेजर भी एक रजिस्टर है, आपका रजिस्टर नोटबुक, ठीक है, एक रजिस्टर नोटबुक है आपका, ठीक। ध्यान से सुनेंगे, जर्नल एक रजिस्टर है और लेजर भी एक रजिस्टर है, तो दो अलग अलग बुक से बैठे हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग बुक से आपके, ठीक। अब जर्नल में हम बेसिकली लिखते हैं एलएफ और लेजर में हम बेसिकली लिखते हैं जेएफ, तो ये क्यों है बेटे, ये क्रॉस रेफरेंस के लिए। मैंने आपको क्या बोला था, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, फोलियो का मतलब क्या होता है पेज नंबर, ध्यान से सुनना।
आपके पास एक टेक्स्ट बुक है, आपके पास नोटबुक है, तो आप नोटबुक में क्या करते हो ना, नोटबुक में लिखते हो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 2। आप टेक्स्ट बुक में जाते हो, टेक्स्ट बुक में जाने के बाद आप वहां पर लिखते हो क्लास वर्क बुक या क्लास नोटबुक, होमवर्क नोटबुक है, क्लास नोटबुक है, कहां से हम सॉल्व किया वो देखना जरूरी है ना। हाँ सर, तो क्लास नोटबुक क्वेश्चन पेज नंबर 123 वो क्वेश्चन यहां पे आपने लिख दिया, सिंपल है। तो ये क्या किया आपने, ये आपने क्रॉस रेफरेंस दिया है, तो मतलब जब आप नोटबुक खोलोगे और नोटबुक में वो क्वेश्चन देख रहे हो, सॉल्यूशन सॉल्व देख रहे हो, आपको अभी वो क्वेश्चन देखना है, तो आप अभी वो पूरी बुक नहीं ढूंढोगे किधर गया किधर गया किधर गया, एक एक पेज छन ही छानोगे। आपने वहां पे लिखा है अच्छा पेज नंबर 113, तो गए वहां पे 113 पे। अच्छा अब मान लीजिए अगर आप टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन देख रहे हो, आप उसका सोल्यूशन रेफर करना चाहते हो, तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आपने पेज नंबर लिखा हुआ है, हाँ अच्छा क्लास वर्क, अच्छा ये होमवर्क नोटबुक नहीं क्लास वर्क नोटबुक में है, तो क्लास वर्क नोटबुक पेज नंबर 145, तो नोटबुक निकालेंगे और सीधे पेज नंबर 145 पे जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस रेफरेंस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। बोलो समझ में आया कि क्रॉस रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट समझा, एल एफ एंड जे एफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या वो बोलो, एल एफ जे एफ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोलो। बराबर भरत जादव बहुत जल्दी उठ गए तुम आज, हैं शर्म करो शर्म, कुछ शर्म है हया है। ये समझ में आ गया सबको, लेजर फोलियो जेएफ, लेजर फोलियो एंड जनरल फोलियो। हाँ सर, अब ट्रायल बैलेंस में लेजर फोलियो क्यों है सर, क्योंकि आप लेजर अकाउंट का बैलेंस जो है, लेजर की बुक में से बैलेंस उठाकर आप कहां लिख, ये उस यहां से बैलेंस उठाकर आप कहां लिखने वाले हो, ट्रायल बैलेंस में। अब जब आप ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है यहाँ पे, यार ये मिस्टर एक्स का अकाउंट 10,000 का बैलेंस बता रहा है, अब आपको मिस्टर एक्स का अकाउंट चेक करना है तो आपको पूरे लेजर की रजिस्टर ढूंढनी पड़ेगी, इसीलिए आपने वहां पे पेज नंबर लिखा था मिस्टर एक्स का, पेज नंबर 65 पे था, तो आप जाएंगे पेज नंबर 65 पे, वहां पे आपको एक्स का अकाउंट दिखेगा, एक्स के अकाउंट का बैलेंस आप वहां पे क्रॉस चेक करोगे। बराबर यहां तक बोले, यहां तक बराबर है सबको, एल एफ जे एफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सबको। तो अभी तो ऐसे भी यूज नहीं होता, हाँ बात वही आपकी बेटे, यूज नहीं होता है अभी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग है, पहले मैनुअल अकाउंट होती थी। मैनुअल अकाउंटिंग यानी पहले ऐसे ऐसे बड़े बड़े रजिस्टर्स आते थे, बड़े बड़े रजिस्टर्स आते थे। संयम ध्यान से सुनना, जो कंसेप्ट बता रहा ध्यान से सुनना, यही कंसेप्ट को आगे जोड़कर मैं सब्सिडरी बुक्स बनाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। बड़े बड़े नोटबुक से ओल्ड नोटबुक, ऐसे बड़े ऐसे नोटबुक थे, आपने शायद वो मूवी देखी होगी, विक्टर वेंकटेश बोल के अपना एक हीरो है ना, उसकी एक पुरानी मूवी थी हिम क्रीम चित्रगुप्त, हिम क्रीम तकदीर वाला, वो ऐसे यमराज की जो रजिस्टर होती है उसके हाथ में भविष्यवाणी वाली किताब मिल जाती, तो ऐसे बड़ा बुक होता है ना, वैसे टाइप के ऐसे बड़ा बुक होता है। वो बड़े बुक में वो लोग जर्नल एंट्रीज करते थे पेंसिल से, पेंसिल से। या तो चलो वो नहीं देखा होगा आपने, स्कैम 1992 तो देखा होगा, जो हमारा वो एक साउथ इंडियन जो रहता है जो स्कैम में इन्वॉल्व रहता है अपने हर्षद भाई के साथ, वो जाता है फटाफट रजिस्टर खोलता है, रजिस्टर खोल के वहां पे पेंसिल से उसको रब करके पेंसिल से एंट्री कर देते, याद आया सबको, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो वैसे रजिस्टर होते थे बड़े बड़े, और रजिस्टर में जर्नल एंट्रीज करो, फिर ये जर्नल एंट्रीज के बाद में उसके बाद लेजर का नोटबुक लो और लेजर के नोटबुक में एंट्रीज करो, ठीक। ध्यान से सुनना अभी, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट। अब आप जर्नल में एंट्रीज कर रहे हो, फिर आप लेजर में एंट्रीज कर रहे हो, फिर पेज नंबर क्रॉस रेफरेंस चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात अगर आपको मैं बोलूं, जो जर्नल है जर्नल के अलग अलग रजिस्टर्स है, जर्नल से जर्नल का एक पूरा सेट आएगा और जर्नल के पूरे सेट में एक अलग अलग रजिस्टर आएगी। सर अलग रजिस्टर क्या है बताता हूं, संयम रखो। लेजर जो है, लेजर जो है ध्यान से सुनना बेटे, लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अकाउंट्स बनते हैं। अच्छा हाँ, तो देखो मैं आपको एक लिंक करवा के देता हूं बात। लेजर अकाउंट जो हम बोलते हैं ना, लेजर अकाउंट्स, बराबर है, यही तो है आपका हिंदी वर्जन बही खाता। बही मतलब बुक, नॉर्मल शब्द, वही बही बुक, बुक अकाउंट्स, बुक को इन्होंने नाम दिया लेजर अकाउंट्स, बही खाता। बोलो क्लियर है तक? ओके आयुष शेखर, बाय बाय, रिकॉर्डेड देख लेना बाद में लेक्चर, ध्यान से भूलना नहीं है, और मुझे मैसेज करना कि सर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया, अपडेट चाहिए मुझे आपकी तरफ से, ठीक है, वेरी गुड। यहां तक क्लियर? लेजर अकाउंट क्लियर, उसको बही खाता बोलते हैं, वही लेजर अकाउंट है, समझ में आया यहां तक? अब ध्यान से समझो होता क्या है, अगर आपने
देखा होगा ब्लू कलर की एक बड़ी सी रजिस्टर आती है ग्रीन पेजेस में, उसको आप वो डायरी अगर आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान में जाएंगे वहां पे पूछेंगे वो दिखा देगा आपको। ठीक है आयुष जाए बेटे जाए जी ले अपनी जिंदगी वाह। तो अब ध्यान से सुनो, वो जो रजिस्टर है ना वो ब्लू वाला जो रजिस्टर है ना वो लेजर के फॉर्मेट में ही होता है पूरा। अब वो इतने सारे अलग अलग रजिस्टर होते हैं क्या? नहीं सर, देखो ध्यान से सुनो, मंथली रजिस्टर मेंटेन करते हैं। मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाया जाएगा भाई, पेज नंबर 1 पे मिस्टर ए का अकाउंट, पेज नंबर 2 पे बी का अकाउंट, पेज नंबर 3 पे सी का अकाउंट, पेज नंबर 4 पे डी का अकाउंट, मशीन अकाउंट, एसेट अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, फलाना अकाउंट, ढिम का अकाउंट, ऐसे अलग 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 अकाउंट्स बनाते हैं। तो ऐसे जितने अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे, ध्यान से सुनना, जैसे जितने अलग 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 अकाउंट्स बनेंगे, ये जो अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे अलग अलग पेज नंबर्स पे बनेंगे, अलग अलग पेजेस पे बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं खाता। तो लेजर एंड अकाउंट इज डिफरेंट, लेजर के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं, ये याद रखना है हमको। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोले है कंसेप्ट क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोलो मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत से नए बच्चे अभी ज्वाइन हुए, आपने लाइक नहीं किया है, मेरे दिल को बुरा लग रहा है। देखो 4 लाइक बचे हैं, सेंचुरी पूरी हो जाएगी। जिसने नहीं किया कर दो यार प्लीज, सेंचुरी हो जाएगी। 4 लाइक बचे, फटाफट लाइक ठोक दो जिसने जिसने नहीं किया है ना। वाह वाह वाह, 3 बचे हैं, 3 लाइक बचे, 3 लाइक, 3 लाइक सेंचुरी हो जाएगा, 3 लाइक। यस 1 लाइक, 1 लाइक, 1 लाइक, सिर्फ 1 लाइक एंड आई एम सेंचुरी। ओह 101 शगुन के, 101 रुपए, वाह मेरे प्यार प्यारे लाडले लाडले बच्चे। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अब सर जर्नल के जो रजिस्टर्स बनाए आपने उसके बारे में नहीं चर्चा की, करूंगा ना अभी, आगे करूंगा। इसके अगले, इसका जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा सब्सिडरी बुक्स, वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, उसकी चर्चा इसी पे बेस्ड रहेगी। ठीक है आ जाओ लेट्स सी। अब हम पहले बना लेते हैं एक लेजर, प्यारा सा अच्छा सा फॉर्मेट बना लो लेजर का अपने नोटबुक में। सॉरी लेजर नहीं, ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बना लो अच्छा सा, ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बना लो अच्छा सा। अरे 105 हो गए, वाह वाह भाई वाह। दिस शोज योर ट्रू लव टुवर्ड्स मी यार। ओके यस आ जाओ। गरिमा को डाउट है बोलो बेटे। क्लियर है तक? गरिमे का डाउट आने तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये मैंने लिखे, ये मैंने लिख दिया यहां पर। पर्टिकुलर्स यहां पर आएंगे, डेबिट वाले आइटम्स। यहां पर आएंगे क्रेडिट वाले आइटम्स। हो सोहम का अलग ही अलग ही अलग ही राडा डालता है सोहम, अलग ही राडा है, राडा राडा। ठीक है आ जाओ। सबसे पहला अकाउंट जो हमने बनाया था वो कौन सा था सर? सबसे पहला अकाउंट जो था हमारा, अरे नीचे है ना, यहाँ पे बनाता हूँ ट्रायल बैलेंस, इजी होगा। डेबिट क्रेडिट शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहां पे। ठीक है पहला अकाउंट आपका था कैश,
दूसरा अकाउंट था आपका बिल्डिंग, ठीक है सर, आपने डायरेक्टली डेबिट में लिखा। हाँ देखो ना, कैश और बिल्डिंग में डेबिट बैलेंस था, कैश और बिल्डिंग में डेबिट बैलेंस था, तो कैश में बैलेंस कितना था सर? देखो यहाँ पर कैश में बैलेंस कितना था? 23,000। बिल्डिंग में बैलेंस कितना था? 30,000। यहाँ पे लिखा नहीं क्या मैंने? ठीक है, बिल्डिंग का बैलेंस 30,000, कैश 23, बिल्डिंग 30, क्लियर? क्लियर हो गया इसे कैसे? हाँ मैं भी तो सोच रहा हूँ, चमत्कार हो गया। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना था? मेरे ख्याल से 80,000 था, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। कैपिटल का बैलेंस 80,000, ठीक है। अगला आईसीआईसीआई बैंक 28,000, परचेस में बैलेंस थे 15,000, कार्तिक में बैलेंस है 3,000, सेल 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 सेल, अरे फर्नीचर भी है अपने पास, फर्नीचर का बैलेंस है 10,000, ठीक है यहां तक। फर्नीचर का बैलेंस 10,000, दो मीटर को सही हम रखो बेटे, सब बताता हूं मैं, ठीक है। फर्नीचर आ गया, गणेश, गणेश का बैलेंस है 5,000, सेल्स का बैलेंस है 30,000, ठीक है यहां तक। गणेश अकाउंट डन, सेल अकाउंट डन, सैलरी सैलरी 5,000, इंटरेस्ट रिसीव 3,000, आ जाओ। बराबर मौर्य, ऐसे कैसे? कैश टू कैश लिख रहे हैं तो कैश को डेबिट, कैश को क्रेडिट करेंगे तो नलिफ हो जाएगा ना, वो लिखने का कोई मतलब थोड़ी ना है। क्लियर है तक? बोलो क्लियर है तक? हाँ यस। नाउ इसका टोटल बता दो मुझे फटाफट, इसका टोटल और मुझे टोटल बताओ दोनों तरफ का।
टोटल बता दो। अच्छा चलो यहां पर ध्यान दो भाई साहब, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो प्लीज। 1,16,000, वेरी गुड। दोनों साइड का टोटल आ गया 1,16,000 और क्रेडिट साइड का भी टोटल 1,60,000। टोटल मिरेकल मिरेकल टैली 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 हो गया भाई साहब, टैलीड 1,16,000 टैली हो गया ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से सुना, और कोई कंसेप्ट पे जा रहा हूं मैं, अब मैं कुछ और चीज यहां पे बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, अगर हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस का एनालाइज करते हैं तो अब मुझे बताना कैश क्या है सर। कैश आपका एसेट है, बिल्डिंग आपका एसेट है, आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट जो है बैलेंस जिसमें है वो भी एसेट है, परचेज आपका एक्सपेंस है, फर्नीचर आपका एसेट है, कैश आप कैश बोल रहा हूँ, गणेश आपका एसेट है क्योंकि ये आपका डेटर है, बराबर है, यह आपका डेटर है, सैलरी जो है ये एक्सपेंस है। क्लियर क्लियर यहां तक। यहां पर आ जाओ, यहां पर कैपिटल, ये आपका कैपिटल है बराबर है, ये आपका सेल जो है ये आपका इनकम है ना, ये कार्तिक जो है कार्तिक आपका क्रेडिटर है और आपकी लाइबिलिटी हो गया, और इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ये भी आपकी इनकम है। क्लियर इनकम क्लियर यहां तक सबको, यस सर क्लियर। तो इस बेसिस पर मैं एक रूल बनाऊंगा, क्या एसेट्स एंड एक्स expenses always have debit balance liability income and capital always has ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस खत्म। इनकम्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड, तो एसेट एंड एक्सपेंसिज ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी इनकम एंड कैपिटल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस का सिंपल रूल बन गया, पूरा अकाउंट्स का रूल बन गया, जीवन भर के लिए याद रखना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट फिर से लेकर आऊंगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन फिर से लेकर आऊंगा ये पॉइंट। है ना, तो जो है रूल मैंने आपको प्रूफ करवा दिया, बराबर रूल प्रूफ करवा दिया मैंने आपको। आई होप एवरी वन इज क्लियर विद दिस राइट। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ट्रायल बैलेंस में डेट्स क्यों नहीं होती है, ट्रायल बैलेंस में डेट नहीं होती बेटे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट,
कोई भी एक पीरियड उठाया जाता है, मान लो एक मंथ का ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, तो ट्रायल बैलेंस मंथ के एंड में या क्वार्टर के एंड में या 6 महीने के एंड में या ईयर के एंड में बनाया जाता है, तो एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनाया जाता है। जैसे बैलेंस शीट हमारा बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड बैलेंस शीट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, तो वैसे ही ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक महीने जनवरी का महीना खत्म हो गया, 31 जनवरी को हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो, और वो परफेक्टली मैच हो गया, मतलब जनवरी के अकाउंट्स पूरे क्लियर है। तो जब हम फेब में फिर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो फेब में ट्रायल बैलेंस बनेगा जैन टू फेब का, तो जैन टू फेब का फिर से 28 फरवरी को जब ट्रायल बैलेंस बनेगा टैली हो गया, तो ठीक है टैली नहीं हुआ तो हमको ये समझ में आ जाता है कि फरवरी में कहीं तो गड़बड़ हुई है। कैसे समझ में आया सर? क्योंकि हमने जब जैन में ट्रायल बैलेंस बनाया था तब तो टैली हो गया था, बट बाद में जब एंट्री हुई अब टैली नहीं हो रहा है या कुछ गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब फरवरी में गड़बड़ हुई है। सिंपल ठीक है। चैप्टर वन चैप्टर टू की पीडीएफ दोबारा सेंड कर देता हूं। ठीक है बोलो, क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर? किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, शंका है, कुशंका है, डाउट है तो बोलिए, है ना। सो हियर आई विल कंक्लूड दैट वी आर डन विद द टॉपिक जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, ये टॉपिक कंसेप्ट खत्म है यहां पर। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स। क्या स्टार्ट कर रहे सर? सब्सिडरी बुक्स हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे सर? सब्सिडरी बुक्स स्टार्ट करेंगे। सब्सिडरी बुक्स जब हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना है सबको, सब्सिडरी बुक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल का भी लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, बेसिक्स मान के चल लेते हैं। आज मंडे है, ट्यूसडे वेनसडे, 2 दिन में सब्सिडरी बुक्स कोशिश करूंगा मैं कि खत्म हो जाए। जैसे सब्सिडरी बुक्स खत्म हो जाएंगे वी विल बी पिकिंग अप चैप्टर कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये वाला हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मतलब आप मान के चलिए कि 2 दिन बाद आपका प्रॉपर वाला सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। बेसिक्स विल बी डन विद द बेसिक्स, यू विल बी डन विद द बेसिक्स। बोलो एवरीवन, आई होप एवरीवन क्लियर टिल हियर, है ना? यस, ओके। अंडरस्टैंड वन थिंग बेटे, सामिल सर भैया, अरे सौमिल सर के बारे में ऐसे ऐसे बात कर रहे हो, सौमिल सर को पता है क्या? सौमिल सर बोले ऐसी बदनाम कर रहे। अभी चाय पीने जाऊंगा बेटे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ एक्सेप्शन वगैरह नहीं रहते ट्रायल बैलेंस में बेटे, है ना। उन सब चीजों में अभी मत जाओ, फिलहाल हमारा बेस पहले क्लियर कर लेते हैं, एक्सेप्शन वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है? ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, नंबर वन देखो, शेड्यूल्स तो आपको कल के मीटिंग में बता दिया गया था, ठीक। दूसरा, आप अब मुझे हर संडे, एवरी संडे वी विल मीट, एवरी संडे इन द मॉर्निंग। मैं संडे का एक बार मैं क्या है? हम एक जैसे हमने कल बात की थी ना, कि हर वीक एवरी फैकल्टी इज गोइंग टू मीट यू पर्सनली। हम पर्सनली 1-to-1 सेशन रखेंगे जूम पर रखेंगे, ताकि क्या है, अभी यूट्यूब पर जैसे अगर आप कुछ बात करना चाहते हो तो बात नहीं कर पाते, चैट ही करना पड़ता है, तो जूम सेशन रखेंगे। एवरी संडे जूम सेशन रहेगा, ठीक है। टाइमिंग मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, एक बार मैं सर से बात करके, बाकी फैकल्टीज से भी बात करके, उनकी भी टाइमिंग वगैरह कुछ है, कहीं अपना क्लैश नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक बार उनसे कंफर्म करके आपके साथ जूम मीटिंग्स रखूंगा एवरी संडे। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक आ जाएगी जहां पर आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप हमसे बात करेंगे, मैं आपकी मेरी बात होगी, तो वहां पर हम लोग डाउट सेशन जूम पर डाउट सेशंस भी कंडक्ट करेंगे। डाउट जूम पर डाउट सेशंस के अलावा हम लोग दो चीजें रहेगी हमारी। देखो जूम पे हमारा मिलने का पर्पस दो चीजें है। एक, सबसे पहली बात, आपका मेरा वेवलेंथ मैच होना चाहिए, आप और मैं हम दोनों एक दूसरे के साथ रूबरू होने चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ पर है, कौन सा बच्चा है, कितनी पानी में है, कितना उसको समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मस्ती करेंगे, राड़ा डालेंगे जूम में। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो डाउट सेशंस भी रखेंगे। एवरी संडे वी विल बी मीटिंग फॉर अकाउंट्स जूम सेशंस, है ना। अकाउंट्स में जूम सेशंस के लिए हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक। जूम कनेक्ट होगा कब? एवरी संडे को। टाइमिंग विल बी अपडेटेड ऑन द ग्रुप। जब ये वीक में एक बार मैं कल, आज या कल में ही सर के साथ फाइनल करूंगा और वो टाइमिंग फाइनल करके आपको बता दूंगा। एवरी संडे वो टाइमिंग फिक्स रहेगा और हर संडे हम कंपल्सरीली मिलेंगे, हर संडे कंपलसरीली हम मिलेंगे। सिंपल, और कुछ नहीं। बोले यहां तक क्लियर सबको? संडे मॉर्निंग ही रहेगा बेटे मोस्ट ऑफली, ज्यादा दोपहर नहीं करूंगा। क्लियर?
यस कि संडे इज स्ट्रिक्टली फैमिली टाइम, तो संडे का सुबह में हम एक बार हमारा जूम सेशन खत्म कर लेंगे, तो जूम सेशन खत्म होने के बाद फिर वी कैन यू नो आप आपके दोस्तों के साथ मजा मार सकते हो, मैं भी अपनी फैमिली के साथ, ठीक। यस दूसरी बात, कोई बात नहीं मौर्य, आज आपने कर लिया अटेंड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। अगला लेक्चर 10 बजे है, अगला लेक्चर 10 बजे है, आपका लॉ का लेक्चर रहेगा, ठीक है। 8 to 10 मेरा लेक्चर बोला जाता है, बट फिर भी मैं 8 to 10 लेता हूँ, एक 5-10 मिनट का कंटिजेंसी रख के, और हम 8:45 9:50 तक लेक्चर खत्म करते हैं, ताकि आपको 10 मिनट ब्रीदिंग स्पेस मिले, आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, आप उठ गए, वॉशरूम जाके आ गए, पानी पीकर आ गए, नाश्ता कर लिया और आप लेक्चर में बैठ गए, सौमिल सर का लेक्चर, लॉ का लेक्चर, क्योंकि सौमिल सर का लॉ का लेक्चर ऐसा रहता है कि बच्चा उठ ही नहीं पाता, इसलिए मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ, मैं आपको देखो कितनी कदर करता हूँ, देखो मैं कितना आपका केयर कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा खाया नहीं खाया उसका भी ध्यान दे रहा हूँ मैं, बराबर है क्या? नहीं, हाँ सर, तो ठीक है यहाँ तक, ठीक है। यस सो वी विल बी मीटिंग टूमोरो सेम टाइम मेरे साथ अकाउंट्स कल सुबह 8 बजे है ना। एवरीवन टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, सी यू गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।